अजान दे दें। اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين. گزشتہ دنوں پاکستان کو جو ایٹمی دھماکہ کرنے کی توفیق ملی اس کے متعلق اخبارات میں بکثرت متضاد خبریں آتی رہی ہیں اور مختلف سائنسدانوں کے گروہ اپنے سر سیرا باندھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے لیکن ایٹمی توانائی کی تاریخ کا آغاز بالکل بھلا دیا گیا ہے بلکہ اس کے برعکس جماعت احمدیہ پر ملا اور ان کے چیلے چانٹے یہ الزام لگا رہے ہیں جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو ایک دھماکہ ربوہ میں بھی ہوا اور وہ سخت مایوسی اور غم و غصہ کا دھماکہ تھا. اتنی تکلیف پہنچی اہل ربوہ کو کہ یہ کیا حال ہو گئی, حرکت ہو گئی کہ پاکستان نے ایٹمی توانائی میں اتنی ترقی کر لی ہے. یہ ساری باتیں مولوی کی سرشت میں داخل ہیں. وہ ہمیشہ حقائق کو چھپا کر پلید باتیں کرتا ہے جن کا حقائق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا.
और मौलवियों के रोब के नतीजे में वो लोग जिनको तारीख याद रहनी चाहिए थी वो भी या उस तारीख से नावाकिफ हो गए हैं, उनका दिमाग मौलवी के शोर ने बिल्कुल साफ कर दिया है, या मौजूद तो है दिमाग में लेकिन डर के मारे बात नहीं करते। इससे पहले कि मैं एटमी तवानाई की तारीख जो हकीकी तारीख है उस पर मैं कुछ रोशनी डालूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं भी मुसलमान मिल्लत के मफाद की बात हो, हमेशा बिला इस्तिस्ना जमात अहमदिया ने सबसे अव्वल और मौसर कदम उठाया है, और जहाँ भी मिल्लत के मफादात को नुकसान पहुँचा है वहाँ जमाती मशवरों को नज़रअंदाज करने के नतीजे में नुकसान पहुँचा है। क़याम पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है, बहुत से हवाले मैं दे चुका हूँ बकसरत, और अब मैं समझता हूँ कि इस एक घंटे के अंदर उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे खुतबात छप चुके हैं, वो मज़ामीन शाया हो चुके हैं जिनमें बकसरत ऐसे हवाले हैं कि पाकिस्तान की तामीर में ही सबसे अहम किरदार जमात अहमदी ने अदा किया। अगर जमात अहमदिया के किरदार को निकाल लिया जाए तो ये मुल्ला लोग जो आज हुकूमत पर काबिज हुए हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान को मिटाने की हर मुमकिन तदबीर कर ली थी। अब ये तारीख का एक मकरूह पहलू है कि वही लोग जो पाकिस्तान को मिटाने में पेश पेश थे, उन्हीं में से एक शख्स जो ताला शाह बुखारी का मुरीद कहलाता है, अव्वल दर्जे का मुरीद, वो इस वक्त मुल्क का सदर बना हुआ है। तो जब कौम तारीख को मिलिया मेट करने पर तुल जाए तो ये नतीजा निकला करता है। हद से ज़्यादा मकरूह बातें पाकिस्तान में हो रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से ज़्यादा पलीदिस्तान से है, जिसके मुतल्लिक अताला शाह बुखारी ही का एक कौल था कि पाकिस्तान तो नहीं बन सकेगा, पलीदिस्तान बन जाएगा। अब वो पलीदिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार सदर साहब अदा कर रहे हैं इस वक्त, तो बहुत वफादार शागिर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बलूचिस्तान बनाने का जो इरादा था उसे पाए तकमील तक पहुंचा दिया है। लेकिन वो अकेले नहीं हैं, सारी कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इस कदर गलत किरदार पाकिस्तान का है कि आप तो अलग रहे, दुनिया के बाकी दानश्वर भी हैरतज़दा रह जाते हैं कि इस्लामी मुल्क में इस किस्म की बेहयाइयाँ हो रही हों। हर बेहयाई मंजूर है मौलवी को, और हर बेहयाई की सरपरस्ती करता है, झूठ इसकी सरिश्त में दाखिल है। ये सारा इस्लाम है, सिर्फ जमात अहमदिया का नाम लेना एक जुर्म अजीम है, ये नाम ना लिया जाए तो सब कुछ इस्लाम और जायज़ है। इस मज़मून से ताल्लुक में मैं बहुत बातें पहले खोल चुका हूँ, मैं इशारतन सिर्फ बातें अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख हो या कोई भी मुसलमानों के मफाद की बात हो, उसमें हमेशा अव्वलीन किरदार जमात अहमदिया ने अदा किया है। कश्मीर मूवमेंट 1930, 31, 32, 33, 34 तक हज़रत मुस्लिम माऊद ने कश्मीर मूवमेंट के ऊपर का आगाज़ किया और इसके मुतल्लिक बकसरत मजामीन शाया किए, तमाम हिंदुस्तान की मुसलमानों की राय आमा को जगाया और उन्हें समझाया कि तुम कश्मीर के मामलात और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के मामलात से बिल्कुल गाफिल पड़े हो, उठो और किसी जिद्दोजहद का आगाज़ करो। जब ये आगाज़ हुआ तो अल्लामा इकबाल ही ने सबसे पहला नाम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का पेश किया। अब ये भी तारीख के वो पहलू हैं जिनके मुतल्लिक मुस्तनद हवालों से साबित किया जा सकता है कि जमात अहमदिया से बढ़कर कश्मीर की आज़ादी की मुहिम चलाने वाली और कोई जमात नहीं थी। जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है,
फलस्तीन के मुतालिक सबसे पहला तंबीही मजमून जो शाया किया है वो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने फ़याक फरमाया। आप ही ने फलस्तीनियों को मुतलब्बे किया कि अपनी ज़मीनें यहूद के हाथों बेचने से बाज आ जाओ, अगर तुमने ये ज़मीनें बेची तो अब तो इनको खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ज़मीनें ख़रीद कर ये अपने खड़े होने की जगह बनाएंगे और फिर उसे फैला देंगे और रफ्ता रफ्ता इनका दायरा असर तुम्हारे सारे मुसलमान ममालिक पर जो अरब के अरब में मौजूद हैं उन सब पर मुहित हो जाएगा। और ये बहुत ही ख़तरनाक हरकत है जो तुम कर रहे हो, इससे तौबा करो। उस मौके पर इस मजमून की तायीद में इराक़ और फ़लस्तीन और दूसरे अखबारात में से बहुत से दानश्वर ऐसे थे जिनके एडिटर जिन्होंने खुल के तायीदी मज़ामीन लिखे, उन्होंने कहा अगर कोई सही मशवरा दे रहा है तो इस वक्त जमात अहमदिया के सरबराह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमदी है जो सही मशवरा दे रहा है। आपने उनके जज्बात को उभारने के लिए बड़ी पुरजोर तहरीरें लिखीं, लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने उस पर कान न धरे। एक तहरीर का नमूना मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने लिखा सवाल फ़लस्तीन का नहीं, सवाल मदीने का नहीं, सवाल यरूशलम का नहीं, सवाल खुद मक्के और मक्का मुकर्रमा का है, सवाल जैद और बकर का नहीं, सवाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का है। दुश्मन बावजूद अपनी मुखालफतों के इस्लाम के मुकाबले पर इकट्ठा हो गया है, क्या मुसलमान बावजूद हज़ारों इत्तेहाद की वजूहात के इस मौके पर इकट्ठा नहीं हो सकता? अलकुफ्र मिलतुन वाहिदा का रिसाला जो शाया हुआ है इसका हवाला अलफजल 1944 जो भी है, ये अलकुफ्र मिलतुन वाहिदा का मजमून जो है ये तो बहुत शोहरत पकड़ गया था सारे अरब में और उससे बाहर भी। तो ये अल्फाज थे जिनसे आपने मुसलमानों की गैरत और इज्जत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अंगेख्त किया। पाकिस्तान के क़याम के दौरान जो खिदमात चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने किए हैं अदा किए हैं वो एक अलग तफसीली बाब है, जिसके मुतालिक चौधरी मोहम्मद अली साहब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान के सफ़ा 360 पर तफसील से जिक्र करते हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब अहमदी तो नहीं थे, बंगाली शरीफ नफ्स इंसान थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब को खराज तहसीन पेश किया कि पाकिस्तान के क़याम के बाद कश्मीर की हमायत में इससे ज़बरदस्त तकरीरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी जैसे ज़फ़रुल्लाह खान ने की, और जो कोशिशें की उनका ज़िक्र तवील है। जहाँ तक मसला फ़लस्तीन का ताल्लुक़ है, हज़रत मुस्लिम मौऊद ने इसका आगाज़ किया और चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने यूनाइटेड नेशन यानी अक़वामे मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन की ऐसी पैरवी की कि उसकी कोई नज़ीर आपको कहीं तारीख में नहीं मिलेगी। हैरत अंगेज़ फसाहत व बलागत से 5-5 घंटे आपने तकरीरें की हैं और एक ऐसा मौका था जबकि अमेरिका और इसराइल की जो बनने वाला था अभी इसराइलियों की साजिश से तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे कि यूनाइटेड नेशंस में जब ये मसला पेश होगा तो भारी अक्सरियत फ़लस्तीन के क़याम के हक़ में वोट देगी। उस वक्त ज़फ़रुल्लाह खान उठे हैं तकरीर के लिए और फिलबदी ऐसी तकरीर की है कि मुसलमान जितने भी नुमाइंदे थे वो जोश से उठते थे बार बार और बाज़ रोते हुए आपके हाथों को चूमते थे, ज़फ़रुल्लाह खान तुमने इस्लाम और फ़लस्तीन की हमायत का हक अदा कर दिया। उसके ऊपर जो तफसीरें छपे हैं बाद में वो बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनकी तफसीर में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ
कि अमेरिका और सहून की पूरी कोशिशों के बावजूद उस वक्त के नुमाइंदगान जो यूनाइटेड नेशंस में मौजूद थे उनकी अक्सरियत तौहीद उल्फ़ुर्रा खान साहब के दलाइल से मुतासर हो गई। अगर उस वक्त वोट ले लिया जाता तो फ़लस्तीन के क़याम का रेजोल्यूशन पास होना नामुमकिन था। उस वक्त जैसे दजल की आदत है फौरी तौर पर अमेरिका ने दखल देकर ये सवाल उठाया कि ये मसला बहुत आम है, अभी वोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर उसी वक्त वोट हो जाते तो फ़लस्तीन के क़याम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, फ़लस्तीन में यहूदी हुकूमत के क़याम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये वक्त मांगा और तमाम दुनिया की हुकूमतों पर दबाव डाला कि तुम अपने फलां फलां नुमाइंदा को जो इस वक्त यहूद की हुकूमत के क़याम के ख़िलाफ़ हो चुका है हुक्मन जबरन मजबूर करो कि वो अपना वोट फ़लस्तीन में यहूद की हुकूमत के क़याम के हक़ में दे, उसके ख़िलाफ़ में दे। जब सारी गिनती कर ली और यकीन हो गया कि अब हर सूरत में यहूदी हुकूमत के क़याम के हक़ में फ़ैसला होगा, तब कुछ अरसे के बाद उन्होंने वोट लेने की मुहिम का यूनाइटेड नेशंस में इसको डिवीजन कॉल करते हैं, यानी वोट तलब किए कि बताओ कौन किसके हक़ में। उस वक्त हाल ये था कि बाज़ नुमाइंदगान रोते हुए ज़फ़रुल्लाह ख़ान से कह रहे थे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अभी भी इस बात पर 100% मुतमईन हैं कि फ़लस्तीन पर यहूदी हुकूमत का क़याम जायज़ नहीं, लेकिन अपनी हुकूमतों के हाथों मजबूर हैं। और बिल आखिर मामूली अक्सरियत से ये फ़ैसला हो गया, जो इससे पहले भारी अक्सरियत से इस फैसले को रद्द हो जाना चाहिए था। यानी अगर उस वक्त जिस वक्त ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने तहरीर ख़त्म की थी उस वक्त अगर वोट होते तो यूनाइटेड नेशंस की भारी अक्सरियत इस फैसले को रद्द कर देती। उसके बाद क्या हुआ, किस तरह अरब नुमाइंदों ने ज़फ़रुल्लाह ख़ान की मोहब्बत के गीत गाए हैं, किस तरह बाद में अरब रिसालों में खा वो किसी अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अखबारात में ज़फ़रुल्लाह ख़ान की मदह सराई की है, उसमें यहाँ तक लिखा गया कि जब से रसूलुल्लाह सल्लम के बाद से आज तक के ज़माने तक यानी जब से रसूलुल्लाह सल्लम का विसाल हुआ और पहला दौर ख़त्म हुआ उसके बाद आज तक जितना भी ज़माना गुजरा है इसमें ज़फ़रुल्लाह ख़ान से बढ़कर इस्लाम का हमायती हमने नहीं देखा। ये सारी बातें फरामोश कर दी गई, अमदन इनको मिटाया जा रहा है। इस तारीख को जो यूनाइटेड नेशंस की मुसवदात का हिस्सा बनी हुई है इसको पाकिस्तान नज़रअंदाज कर देता है। अब ये क्या इंसाफ है, ये कैसी तारीख है? आइंदा आने वाली तारीख इन तारीखदानों को जो आजकल पाकिस्तान पर मुसलत हैं इनको लाजमन झूठा और बदकिरदार साबित करेगी। आइंदा आने वाली नस्लें इनकी तैयार करदा तारीख पर लानतें डालेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन सरदस्त इनका पल्ला भारी है, जो चाहें जो जिस चीज़ का जो चाहें नाम रख लें, अपने सहरा को जन्नत निशान बताते रहें बेशक, लेकिन इस जन्नत में जो हरकतें हो रही हैं वो उस जन्नत में नहीं हो सकते जिसका जिक्र कुरान करीम में मिलता है, कोई दूर की भी निस्बत नहीं। अब मैं इस मुख्तसर जिक्र के बाद एटॉमिक एनर्जी और इसका पस मंज़र आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सेहरा भुट्टो साहब के सर पे बांधा जा रहा है ये सरासर झूठ है। इसका सेहरा अगर किसी पाकिस्तानी सियासतदान के सर बांधना चाहिए तो वो अयूब खान है। जनरल अयूब खान से ही एटॉमिक एनर्जी के कमीशन का आगाज़ हुआ है।
और अजीब बात है कि गौहर अयूब साहब खुद अपने बाप की खिदमत का एतराफ करते हुए डरते हैं, क्योंकि 1965 की जंग में जो हालात रूनुमा हुए उसके नतीजे में जनरल अयूब खान ने यह फैसला पहला किया था कि हमें लाजमन एटमी तवानाई की तरफ तवज्जो करनी होगी, वरना हम हिंदुस्तान जैसे मद मुकाबल के सामने मात खा जाएंगे और फिर कोई बईद नहीं कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क पर काबिज़ हो जाए। इसलिए एक ही इलाज है कि एटमी तवानाई को फ़रूग दिया जाए। अयूब खां की नज़र इंतखाब जिस साइंसदान पर पड़ी, नज़र इंतखाब जिस साइंसदान पर पड़ी जिस पर आपको कामिल एतमाद था, वो डॉक्टर अब्दुस्सलाम थे। डॉक्टर अब्दुस्सलाम ने इब्तदाई और बुनियादी खिदमात सर अंजाम देने में ऐसा किरदार अदा किया है कि अगर कोई मौर्रिख शरीफ नफ्स हो तो उस किरदार को भुला नहीं सकता। और इस मामले में ऐसी सीक्रेसी से काम लिया है, जिसके मतलब ये कहते हैं कि एमडीओं को हम हटा रहे हैं हर जगह से, क्योंकि ये अपनी बातें, अपनी राज की बातें दूसरों को बता देते हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुस्सलाम साहब ने इस कदर इख्फा से काम लिया है इन उमूर में कि बहुत बात तक जब ये सारे वाक़यात गुज़रे मुझे मिलते रहे तो एटमी तवानाई में अपना जो किरदार था उसका जिक्र भी नहीं किया, सरसी सा जिक्र करते रहे हैं और तासुर ये दिया कि गोया एटमी तवानाई के जो काम हो रहे ये बाद में हुआ है। झूठ तो नहीं बोल सकते थे, मगर तासुर ये दिया। मैं नहीं जानता किन अल्फाज से मुझ पर यह तासुर कायम हुआ, मगर अपने नफ्स को बढ़ाने की उनको आदत ही नहीं थी। और अल्लाह ताला की फजल के साथ एक इंतहाई मुनकसर मिजाज इंसान थे, सच्चे पाकिस्तान के हमदर्द। और अयूब खान ने जो एतमाद आप पर किया उसको सच्चा साबित कर दिखाया। जितने एटॉमिक न्यूक्लियर कमीशन बने हैं, मुख्तलिफ किस्म की एटॉमिक यूरेनियम वगैरह की अफजाइश के इंतजाम हुए हैं, इन सब में डॉक्टर अब्दुस्सलाम के मशवरे के मुताबिक वो साइंसदान मुलव्वस हुए हैं जिनमें से एक बड़ी तादाद अहमदी साइंसदानों की थी। और अगर वो अहमदी साइंसदान इस पर काम न करते तो आज किसी एटम बम का सवाल ही ना पैदा होता पाकिस्तान के लिए। और ये इल्ज़ाम कि वो अपनी खबरें अहमदियों को देते हैं इस कदर झूठा और लगव है, अब जबकि वाक़या हो गया तो अमेरिका से अब्दुल लतीफ़ साहब ने, जो उस वक्त चोटी का किरदार अदा करने वाले थे, उन्होंने पहली बार मुझे लिखा है कि सारे झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और ही है। अयूब खां के ज़माने में आगाज़ हुआ और मैं उन साइंसदानों में से हूँ जिन्होंने अव्वलीन कलीदी किरदार अदा किया है यूरेनियम की अफजाइश के ताल्लुक़ में, और मुद्दतों इस पर काम किया है, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं और इसकी अफजाइश के सिलसिले में अगर ये सारा काम जो मख्फी तरीक़ पे होता रहा है, अगर ये ना किया जाता तो आज पाकिस्तान का एटम बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। तो अव्वल तौर पर याद रखें कि इसका सेहरा ना भुट्टो के सर है, ना ज़ियाउल्लाह के सर है, ना नवाज शरीफ के सर है, ये सारे बाद में शोहरत लूटने वाले लोग हैं। सेहरा अगर किसी पाकिस्तानी सियासतदान के सर है तो वो जनरल अयूब खान थे। बहुत गहरे इंसान जिनकी नज़र मुल्क और कौम के मुफादात पर थी, और देखने में एक सादा से जर्नैल थे मगर उनकी बहुत बारीक और गहरी नज़र इस्लामी मुफादात और मुल्की मुफादात पर पड़ा करती थी। और उसी का ये नतीजा था कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आगाज़ हुआ है। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि खामोशी से काम करते थे और अपना दिखावा मंजूर ही नहीं था। इस वजह से भी
उस ज़माने की तारीख को भुलाया गया है, वरना अगर वो उस वक्त खुल कर ये बातें करते तो उनकी उनको ज़ाती शोहरत तो मिल सकती थी, मगर सब दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पर होती और उस वक्त दखल अंदाजी करके वो इसकी बुनियादी कायम ना होने देते। बस अपनी अना की ज़र्रा भर भी परवाह नहीं की उन्होंने, और एतमाद किया तो अहमदियों पर किया। और डॉक्टर अब्दुलसलाम ने जिन लोगों के नाम पेश किए उन सब को कबूल किया, और वही नाम हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त मुनीर अहमद साहब का है। मुनीर अहमद साहब ने, जो बड़े जुरत वाले बाखलाक इंसान हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया, इसको मुनज़्ज़म करने में बाद अज़ां इनका बहुत बड़ा का हाथ है, और ये तस्लीम करते हैं खुल के कि ये डॉक्टर अब्दुलसलाम साहब के लाए हुए थे और उन्हीं के एतमाद की वजह से इनको ये तौफीक मिली है। अब मुनीर अहमद खान साहब जिंदा मौजूद हैं, आपस में ये लोग जितना भी फ़ख्र बांटना चाहें, एक दूसरे से छीन छीन के बेशक बांटें, उनसे अगर कोई पूछे बताओ कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आगाज़ में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया है, तो बिला शुबा कहेंगे कि डॉक्टर अब्दुलसलाम ने। इन्होंने डॉक्टर अब्दुलसलाम पर जो मज़मून लिखा उनकी वफ़ात के बाद, जो जिनीवा में पढ़ा गया या ट्रीस्ट में पढ़ा गया है, उसमें बहुत खुल के डॉक्टर अब्दुलसलाम की अजमत के गीत गाए हैं। और इन सब बातों का अगर आज किसी गैर अहमदी साइंसदान को कतई यकीन इल्म है तो ये मुनीर अहमद खान साहब है। मुझे यकीन है कि प्राइवेट मजालिस में जब इनसे पूछा जाएगा तो ये ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस आगाज़ की तारीख का इन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया? मेरे नज़दीक पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अखबारात इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते थे, इसलिए बईद नहीं कि इन्होंने बयानात में सच्ची बातें कही हों, लेकिन उनको बिल्कुल कुलियतन सर नज़रअंदाज कर दिया गया हो और मिलिया मीट कर दिया गया हो। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर अफजाइश के ताल्लुक में एक आलमी हैसियत कायम हो गई है, इसमें अव्वल किरदार अयूब खान और दोयम किरदार जो साइंसी किरदार है ये डॉक्टर अब्दुलसलाम ने अदा किया। डॉक्टर सलाम साहब ने यूरेनियम की अफजाइश के सिलसिले में डेरा गाजी खान में यूरेनियम के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद उसको किस तरह एटमी तवानाई के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है उसके मुतालिक सबसे अहम मशवरे दिए। और अब्दुललतीफ़ साहब जो अहमदी साइंसदान हैं, ये वो साइंसदान हैं जिनको इस काम पर मामूर रखा है, बड़ी खामोशी के साथ बग़ैर किसी अनानियत के जज्बे के तहत क्रेडिट लेने की कोशिश के, इंतहाई खामोशी और इख्फा के साथ ये काम करते रहे हैं। और इसकी तफसील मैं इस यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो सारे कवायफ मौजूद हैं, अगर मैं बयान करूं तो दुनिया हैरान रह जाएगी कि अहमदी साइंसदानों ने कितनी खामोशी के साथ वो खिदमात सर अंजाम दी हैं जिनके बग़ैर पाकिस्तान न्यूक्लियर अफजाइश का कोई सिलसिला ही नहीं चल सकता था। किसी गैर मरूफ जगह में बैठ के ये लेबॉरटरियाँ बनाते रहे हैं, वो आज की जो जदीद लेबॉरटरी बनी है वो उसी लेबॉरटरी के खद्दोखाल पर बनी है जो इन्होंने तजवीज़ की थी और बना के दिखाई थी, तो ब्लूप्रिंट भी इनका ही तैयार करता था और ब्लूप्रिंट को ढाल कर अमली शक्ल देने में भी इन्होंने ही सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और बाद में जब ज़्यादा वसत की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ही इन्हीं की स्कीम को आगे बढ़ाकर उसे वसत दी गई है। अभी अमेरिका में हैं शेख लतीफ़ अहमद साहब, जिनका मुझसे रब्ता हुआ है इस सारे वाक़े के बाद, इससे आप अंदाज़ा करें कि इनको कुछ भी परवाह नहीं थी अपनी अना की इजहार की,
जब तक ये धमाके नहीं हुए उस वक्त तक इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मुझे भी बताएं कि इससे पहले वो क्या करते रहे हैं। इन्होंने कुछ और साइंसदानों के नाम भी भेजे हैं, डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब की सरबराही में जो टीम बनाई गई थी उसमें जो अहमदी साइंस कलीदी असामियों पर फायज थे उनमें एक शेख लतीफ़ अहमद साहब, यही अमरीका वाले, दूसरे मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब कैनेडा वाले। उसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, मसलन महमूद अहमद शाद साहब टोरंटो कैनेडा में हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत से अंजाम दी हैं। शेख लतीफ़ साहब का जो किरदार रहा है 1961 से 1999 तक मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इक्विपमेंट, ये इन्हीं का कारनामा है। 1972 में मैन्युफैक्चर ऑफ यूरेनियम एक्सट्रैक्शन पायलट प्लांट इन्होंने तजवीज़ किया, इन्होंने अपने सामने बनवा कर दिखा दिया कि ये तजवीज़ महज एक ख्याली तजवीज़ नहीं, अमलन ये हो सकता है। 1974-79 तक प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर फ्यूल, ये भी इनका कारनामा है। अब ये इसको जो मर्जी अपने सर थोपने की कोशिश करे, ये वो हकायक हैं जो पाकिस्तान की तारीख में मुंदरज हैं और इन हकायक को ये मिटा सकते ही नहीं। इसलिए कदीर खान साहब की बातें हों या किसी और साइंसदान की बातें हों, हकीकत में ये अहमदी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत गहरी इल्मी खिदमत सर अंजाम दी और आज का एटम बम इनका मरहून मिन्नत है। ये जो कहा जा रहा है कि अब्दुल कदीर ने फ्यूजन में काम किया बाकी सब काम दूसरों ने किए, ये सब गलत है। अब्दुल कदीर साहब की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई शुमार ही नहीं था, प्रोपेगेंडा के स्पेशलिस्ट हैं वो और बहुत प्रोपेगेंडा किया उन्होंने। उसके मुतालिक अखबारात में खबरें शाया हो चुकी हैं कि किस तरह बाद सहाफ़ियों को उन्होंने ख़रीदा और अपनी जेब से पैसे खर्च करके उनको अपनी तायीद में लिखने पर आमादा किया। अब ये सारी बातें पाकिस्तान के अखबारात में छपी हुई मौजूद हैं, उनकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि अब्दुल कदीर खान साहब के किए किराए पर पानी फेरने की कोशिश करूँ। उन बेचारों ने जो कुछ क्रेडिट ले लिया, अल्लाह उनको मुबारक करे, मगर तारीख बदलने का उनको कोई हक नहीं था। जो तारीख कह रही है वो ये बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शेख लतीफ़ साहब के अलावा मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब टोरंटो का मैंने बताया है, इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब 1964 से 94 तक सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज़ में लेक्चरर रहे हैं, यानी प्रोफेसर थे, और एटॉमिक एनर्जी के साइंसदानों को न्यूक्लियर साइंस की टेक्नोलॉजी पढ़ाने में उन्होंने सबसे नुमाया काम सर अंजाम दिया है। जो टीम बनी है बहुत सारे कसरत से लोग इन्वॉल्व होते हैं इस काम में, उस टीम को बनाने में भी अहमदी प्रोफेसर का दखल है। तो ताज्जुब की बात है कि इन सब बातों को आज का पाकिस्तान कुलियतन भुला रहा है और एक नई तारीख को जन्म देने की कोशिश कर रहा है जो सरासर झूठी है। इस मुख्तसर जिक्र के बाद, चूँकि मैंने हवाले नहीं पढ़े जो मुख्तलिफ मज़ामीन के मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए मेरे अंदाजे से जल्दी वक्त ख़त्म हो गया है, वरना मेरा ख्याल था कि अगर ये हवाले पढ़ूँ तो फिर पूरा वक्त हो जाएगा, फिर डर के मारे नहीं पढ़े कि ज़्यादा ही वक्त ना लग जाए। अब मैं मुख्तसर तबसरा करके इस खुतबे को ख़त्म कर देता हूँ। आज का दौर, यानी वो दौर जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, इस दौर में एक भी ऐसी बात नहीं जो मुसलमानों के मफादात से ताल्लुक़ रखती हो और उसका आगाज़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और या आपके ग़ुलामों ने ना किया हो। मुस्लिम लीग की बुनियाद भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने डाली है,
मुस्लिम लीग का तज़किरा भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। उस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को लाजिम इल्हामन इस तरह तवज्जो पैदा हुई कि पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनको इकट्ठा होकर एक लीग की बुनियाद डालनी चाहिए। और आज की मुस्लिम लीग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है। अजीब किरदार है जिसको हरगिज़ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, और इसका बद असर कुछ देख रहे हैं, कुछ और भी देखेंगे। पाकिस्तान की तारीख में जमात अहमदिया ने जो किरदार अदा किया उस सिलसिले में तमाम मुस्तनद किताबें जो पहले ज़माने की छपी हुई हैं, रईस जाफरी की किताब हो या कोई और, उनमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि तमाम दुनिया इस्लाम हिंदुस्तान की मजहबी जमातों में अगर कोई जमात थी जिसने पाकिस्तान की तामीर में काम किया है तो वह जमात अहमदिया थी। और अब इनके स्कूल की लगव और लचर किताबों में ये लिखा हुआ है कि मौलवियों ने पाकिस्तान को तामीर और जमात अहमदिया इसकी मुखालिफ रही है। तो हर चीज़ में इन्होंने वाज़े झूठ और नाशुक्री से काम लिया है। उसके नतीजे में ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला इनकी इन ज़्यादतियों को नज़रअंदाज फरमा दे। हमेशा खुदा का ये दस्तूर रहा है कि जमात को तौफीक बख्शता है, जब ये लोग नज़रअंदाज करते हैं तो उनकी सज़ा उनको मिलती है। कश्मीर में जब बिलाखिर अल्लामा इकबाल ने हज़रत मुस्लिम मौऊद की कोशिशों को नज़रअंदाज किया तो उसके बाद फिर कश्मीरियों पर मुजालिम का एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसको क़याम पाकिस्तान ही ने आके ख़त्म किया या एक हद तक ख़त्म किया। और क़याम पाकिस्तान के बाद दोबारा फिर अगर कश्मीरियों की हमायत का आगाज़ का मौका मिला है तो हज़रत मुस्लिम मौऊद को मिला है। किस तरह इन बातों से आंखें बंद करते हैं, तअज्जुब है, यकीन नहीं आता कि कोई शख्स इस तरह हकायक को देखकर उनसे आंखें बंद करके बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात, मनगढ़ंत बात उसकी जगह बना देता है। कश्मीर की तारीख के मतलब अब मेरे पास हवाले तो नहीं है, मुझे जो मुझे ज़ुबानी याद है वो ये है कि पार्टीशन के फौरन बाद हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रतन बाग से इस तहरीक का आगाज़ किया है। अहमदी ऑफिसर्स आपको मिलने आते रहे और बहुत से गैर अहमदी अफसरान आपको मिलने के लिए आते रहे, क्योंकि उनको एतमाद था कि अगर ये तहरीक को शुरू कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हैं। अफगानिस्तान में अखबरा सुबह सरहद में राय आमों को दुरुस्त करने के लिए आपने अहमदी बासर पठानों को मुकर्रर किया और उन्होंने तमाम सूबह सरहद का दौरा करके रायमा को कश्मीर के हक में उभारा। और वो जो जत्थे जाने शुरू हुए हैं कश्मीर की ताईद में, यानी पठानों के जत्थे, वो जमात अहमदिया ने भेजे थे। अब ये जो चाहें उसका नाम रख दें, ये हकायक हैं जो तारीख के हकायक हैं, इनको कोई शरीफ नफ्स इंसान मिलियामेट नहीं कर सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता, बदबाती भी मिलने मेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है। ये जैसे पत्थर पर तहरीरें लकीर बन जाती हैं जो मिटाई नहीं जा सकती, वही लकीर है ये तारीख पर जिसको अब ये लोग मिटा नहीं सकते। मगर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, आपको सब्र से काम लेना होगा, वक्त बदल जाया करते हैं। पहली कौमों ने भी बहुत सब्र से काम लिया है और बिल आखिर हकीकी तारीख के नकूश उन मिटाई हुई तहरीरों में से उभरने शुरू हो गए और नए नक्शों ने जगह ली है। बस जमात अहमदिया को मेरी यही नसीहत है कि आप सब्र से काम लें, जहाँ तक मुमकिन है इन बातों को अखबारों में शाया करना शुरू करें, क्योंकि इस कौम की याददाश्त बहुत ही छोटी है। अगर कोशिश करेंगे तो कोई बेईद नहीं कि अगर वफूद मिले अहमदियों के पाकिस्तान के बाज करता धरता एडिटर्स हों या
अखबारों के मालिक हों उनसे मिलें, तो हरगिज़ बेइज्जत नहीं कि वो सच्ची बात कर सकते हों या करें। मसलन नवाए वक्त है, उसके हमीद निज़ामी साहब के बेटे इस वक्त नवाए वक्त पर काबिज़ हैं। इस वक्त का नवाए वक्त का किरदार इतना मकरूह है कि इंसान ताजुब करता है कि हमीद निज़ामी का बेटा इस हद तक गिर चुका होगा कि अपने बाप के मसलक से बिल्कुल मुख्तलिफ मसलक इख्तियार कर लेगा। हालांकि नवाए वक्त हमीद निज़ामी का बनाया हुआ अखबार है। हमीद निज़ामी की सहाफ़त की अज़मत है जिसने नवाए वक्त को एक अहमियत बख्शी है। नवाए वक्त 24 अगस्त 1948 का देखें, 1948 में 24 अगस्त को हमीद निज़ामी ने क्या लिखा, वो लिखते हैं, हिंदुस्तान ने कश्मीर का क़ज़िया UNO में पेश कर दिया। हिंदुस्तान ने कश्मीर का क़ज़िया UNO में पेश कर दिया। चौधरी साहब फिर न्यूयॉर्क पहुँचे। 4 फरवरी 1948 को आपने UNO में दुनिया भर के चोटी के दिमागों के सामने अपने मुल्क व मिल्लत की वकालत करते हुए मुसलसल 5.5 घंटे तकरीर की। ज़फ़रुल्लाह की तकरीर ठोस दलायल और हकायक से लबरेज थी। कश्मीर कमीशन का तकर्रुर ज़फ़रुल्लाह का एक ऐसा कारनामा है जिसे मुसलमान कभी न भूल सकेंगे। कोई कह सकता है कि इन्होंने मुबालगा आमेज़ी से काम लिया है, मुसलमानों ने तो भुला दिया है, मगर मुसलमानों ने कब भुलाया है? जो भुलाने वाले हैं इनका नाम मुसलमान है, इनका किरदार मुसलमान नहीं है। अगर हकीकत में इनका किरदार भी मुसलमान होता, इनमें इस्लामी तशक्कुर का एक मामूली सा जज्बा भी होता, जज्बा तशक्कुर का मामूली सा जज्बा भी होता, तो नामुमकिन था कि ये इन वाक़यात को भुला सकते। उस ज़माने के अखबारात में कुछ शराफत मौजूद थी, कुछ बातें वो जुर्रत से कह दिया करते थे, जो शराफत अब इन अखबारात में जो आजकल चल रहे हैं नाम को भी नहीं रही। यही वजह है कि मैंने अर्ज़ किया है कि जमात को जिद्दोजहद करके इन लोगों उन लोगों को जो अखबारात के मालिक हैं या एडिटर हैं बार बार ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा तजर्बा है कि बाज़ दफ़ा देखने में लगता है कि बहुत मुखालिफ और मुतसब है, जब मिला जाए और बात समझाई जाए तो अंदर का इंसान जाग उठता है। इसलिए नवाए वक्त हो या दूसरे अखबारात हों, उनके सरबराहों से जिनके हाथ में उनकी कलीदें हैं और उनके मुदीरों से ज़रूर मिलना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके अंदर का ज़मीर जाग उठे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ पाकिस्तान का एक हवाला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 13 मार्च 1950 की इशात में लिखता है, हमारे वजीर खारजा ने वो नामबरी हासिल की है जो बिला शुबा किसी दूसरे मुल्क को नसीब नहीं है। यानी वजारत खारजा का जो हक ज़फ़रुल्लाह खान ने अदा किया है वो दुनिया भर के किसी वजीर खारजा को नसीब नहीं हुआ। छोटे से मुल्क का नुमाइंदा होकर शोहरत के आसमान पर ऐसा उभरे और ऐसा चमके हैं कि दुनिया भर के वज़राए खारजा को बिल्कुल मान करके दिखा दिया। 2.5 साल के अरसा में बैरूनी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की साख को कायम करने और उसकी इज्जत और वक़ार को 4 चांद लगाने का जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। सलामती कौंसिल में जिस तरीके पर उन्होंने कश्मीर का मामला पेश किया है उससे उस फरेब का जो पाकिस्तान को दिया जा रहा था पर्दा चाक हो गया है। लेक सक्सेस में कमाल बेजिगरी से उन्होंने कश्मीर की जंग लड़ी है और दुनिया के सामने ये साबित करके कि बैनुल अक्वामी कवानीन की रोशनी में किसी भी जाविया निगाह से क्यों न देखा जाए जारहाना इकदाम का इरतकाब करने में पहल दूसरे फरीक ने की है। वो इस जंग में फतेयाब रहे हैं। कायद आज़म
मरहूम की तरह वो झुकना नहीं जानते थे, वो उस फतह के काहिल ही नहीं थे जो गिर कर नसीब हो। ये है अहमदियों के किरदार को खराज तहसीन। जब उन पर एतमाद किया गया और पाकिस्तान की वकालत उनके सुपुर्द की गई, तो इस तरह वफा के साथ, इस तरह सच्चाई के साथ उन्होंने उसका हक अदा किया। अब ये मशहूर कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इसलिए कलीदी उहदा नहीं दिया जाता, अहमदियों को इसलिए कलीदी उहदा नहीं दिया जाता कि ये मुल्क के भी गद्दार हैं और इस्लाम के भी गद्दार। बेहयाई की कोई हद तो होनी चाहिए, मगर हमारे बदनसीब वतन में इसकी कोई हद मालूम नहीं होती। मीम शीन जो नवाए वक्त के मकाला निगार थे, और उनकी एक तहरीर करके मैं इस खुतबे को ख़त्म करता हूँ। वो लिखते हैं, वो उर्दू और अंग्रेज़ी के एक बेपनाह ज़बरदस्त और ठंडे दिल और दिमाग के आला पाया के मुकर्रर थे। उन्होंने कायदे आज़म के हुक्म की ताहत के तहत पार्टीशन कमेटी यानी बाउंड्री कमीशन में मुस्लिम लीग की जिस तरह तर्जमानी की, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, मगर उसका जिक्र भी नहीं करते उस रिकॉर्ड का, क्योंकि उसके बरक्स नतीजा निकालने के आदि बन चुके हैं ये लोग। इसी तरह क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने जिस अंदाज से कश्मीर के मसला को सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश किया, ये उसका समर था कि सिक्योरिटी काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर कश्मीर के मुस्तकबिल को अवाम के इस्तेसवाब राय से मशरूत कर दिया। ये जो वाक़या गुजरा है ये ज़फ़रुल्लाह खान की कोशिशों से हुआ है। चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान ने अरबों के केस की अक़वामे मुत्तहिदा में जिस खुलूस और दयानतदारी बुलंद हौसलगी से नुमाइंदगी की, उसका एतराफ़ तमाम आलम इस्लाम को है। अगर पाकिस्तान को नहीं है तो ये आलम इस्लाम नहीं है। मीम शीन जो अहमदी नहीं थे, बल्कि एक दौर में बड़ी सख्त अहमदी की मुखालफत किया करते थे, उनका ये इकरार है। कहते हैं आलम इस्लाम को तो एतराफ़ है, जिनको नहीं उनका नाम जो मर्जी भी हो, आलम इस्लाम नहीं है। मैंने जो कुछ दयानतदारी से समझा उसे लिख दिया। ये मीम शीन का दयानतदारी का इकरार है। अब मैं इस खुतबे को ख़त्म करते हुए सिर्फ जमात अहमदिया को ये नसीहत करता हूँ कि बेदिली और कमज़ोरी ना दिखाएं, अपनी नेकियों पर इस्तिकामत अख्तियार करें। कौमों की तारीख बदल जाया करती है, बिलआख़िर सब्र को फतह नसीब हुआ करती है। अब दुआएं करते रहें और सब्र से काम लें। इस वक्त के जो हालात हैं उनमें पाकिस्तान के सर पर बहुत बड़े खतरात मंडरा रहे हैं। इतने ख़तरनाक हालात हैं कि उनका अगर सही इल्म आपको हो तो दिल दहल जाए। कोई शोभा ऐसा बाकी नहीं रहा जो बदमनी का शिकार ना हो चुका हो। इक्तसादी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये बात तो गलत है कि अमेरिका या दूसरे अमीर मुल्कों के बाइकाट के नतीजे में पाकिस्तान को कोई बराह रास्त इक्तसादी नुकसान पहुंच सकता है। उसकी वजह यह है कि ये बड़ी कौमें बड़ी खुदगर्ज़ हैं। जहां इनका अपना मफाद हो, जहां ये ख़तरा लाक हो कि अगर उन्होंने तजारती तल्लुकात काट दिए तो इस मुल्क की मंडी किसी और मुल्क के हाथ में चली जाएगी। वहाँ इनको कौड़ी की भी परवाह नहीं कि हमारी अमूमी पॉलिसी के बरक्स तजारतों को बहाल रखने में इससे क्या नुकसान पहुँच सकता है। बस इस बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही तशख़ीस की है। बार बार कौम को यकीन दिलाया है कि इनकी इक्तसादी पाबंदियाँ बिल्कुल बेमानी और लगव बातें हैं, खसूसियत से इस वक्त जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मफादात दोनों ही अमेरिका के मुकाबले पर इकट्ठे हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी इक्तसादी मंडी
जो सारे हिंदुस्तान पर फैली हो और पाकिस्तान पर फैली हो, उसको नज़रअंदाज करने की दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ताकत को भी इख्तियार नहीं, नज़रअंदाज करने का दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ताकत को भी इख्तियार नहीं, यूरोपियन हो या अमेरिकन या कैनेडियन या जापानी, इन सब ने अपनी मंडियों की साख लाजमन कायम रखनी है। सिर्फ एक चीज़ में एहतियात की ज़रूरत है जिससे हमारी इक्तसादियात को नुकसान पहुंच सकता है, और इस नुकसान पहुंचाने में ये लोग माहिर हैं। वो ये है कि पाकिस्तान को अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इनकी जो ज़ाहरी पाबंदियाँ हैं वो कोई काम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ मख्फी ऐसे इरादे हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल में डालने के लिए इनके काम आ सकते हैं। ज़ाहरी तजारत हर उस जगह जारी रहेगी जिस तजारत का मफाद इनको पहुंचता है, मख्फी तजारत जिसमें हथियार शामिल हैं, जिसमें साइंसी आलात शामिल हैं, जिसमें कंप्यूटर शामिल हैं, उनको ये रोक सकते हैं, लेकिन उसको उनको रोकना भी दरअसल इनके इख्तियार में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बाज़ दूसरे ममालिक से यही आलात ख़रीद सकता है और इस तरह इनकी तजारत मुतासर हो सकती है। उसके मतलब ये होशियारी करते हैं कि वही आलात दूसरी तरफ से मुहैया करते हैं, ऐलान कर रहे होते हैं कि आइंदा से हिंदुस्तान या पाकिस्तान को हरगिज़ ये आलात मुहैया नहीं किए जाएंगे जिनका बड़े कंप्यूटर से ताल्लुक है या और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, ये हम इनको नहीं देंगे, और फिर दूसरे हाथ से मख्फी हाथ से इनको मुहैया करने का इंतज़ाम करते हैं और पैसे ज़्यादा वसूल करते हैं। बस क्राइसिस जो भी हो वो अपनी एडवांटेज के लिए उसको बदल देते हैं, उससे अपने मकासद पहले से बढ़कर हासिल करते हैं। तो ऐलान आम ये होगा कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए बंद कर रहे हैं और अंदरूनी हाथ के साथ ये सारी चीज़ें किसी रास्ते से मुहैया करेंगे और कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए जो बढ़ी हुई कीमत अदा करनी है इसने पाकिस्तान की इक्तसादियात पर असरअंदाज होना है। इसलिए मेरा इनको मशवरा ये है कि बाकी जितने मर्जी इख्तलाफात हों, अमेरिका और मगरबी ताकतों और इसी तरह बड़ी ताकतों जापान वगैरह के मुकाबले पर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका मसाले हैं उनके मुतालिक इनको मिलकर गौर करना चाहिए। लड़ना है तो बेशक लड़ें, लेकिन इनके लिए लाजिम है कि मुश्तरका मसाले में के ताल्लुक में मिलकर गौर करें, और अगर हिंदुस्तान के दानिश्वर और पाकिस्तान के दानिश्वर इस मामले में इकट्ठे हो जाएं कि हमारे मुश्तरका मफादात हैं जो माफ़ करना अकेले अकेले हल हो ही नहीं सकते, दोनों एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि मगरबी ताकतों की पॉलिसी को नाकाम और नामुराद बना दें, ये फैसला करके जो मशवरे करेंगे उनका माना होगा, वो माना खेज मशवरे होंगे और उनका बेहतरीन नतीजा निकल सकता है। बस ये नहीं मानेंगे इस बात को तो अपना नुकसान उठाएंगे, मगर लाजमन इनको माननी चाहिए बात, इख्तलाफ अपनी जगह पर, मुश्तरका मसाले अपनी जगह पर हैं, उनको क्यों नुकसान पहुँचाने देते हैं, फिर बेशक लड़ते रहें जो मर्ज़ी करें, मैं नहीं चाहता कि आपस में इनकी लड़ाइयाँ हों, मगर मेरा मतलब यह है कि अगर मजबूर हैं लड़ने पर तो फिर लड़ते भी फिरें बेशक, लेकिन मुश्तरका मफादात की हिफाजत के बाद ऐसा काम करें, उसके बगैर नहीं। अल्लाह ताला इनको ये तौफीक अता फरमाए। दोनों को मेरा एक ही मशवरा है, हिंदुस्तान की फलाह बहबूद के लिए या पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, ये मशवरा दोनों सूरतों में बहुत ज़रूरी है।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.